दोस्तों सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पीएम की बैठक हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए। 12वीं परीक्षाओं को लेकर लगातार बैठकें जारी कर रखी थी और आज फाइनली पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक हुई। यह बैठक खुद पीएम मोदी ने ली और यह बैठक लेने का कारण यह था कि जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियावाल, वो एम्स में भर्ती हो गए, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने भर्ती हो गए। ऐसी स्थिति में उनको अब समझ में आया और 12वीं की परीक्षा को लेकर 300 छात्रों ने अर्जी लगाई थी कि साहब छात्रों की जान को खतरा मत करो, परीक्षाओं को रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी। साथ ही दिल्ली के सीएम ने भी ये कहा था कि पहले वैक्सीन होनी चाहिए फिर परीक्षा होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि भैया पहले वैक्सीन लगाओ फिर परीक्षा दो, ऐसे में बच्चों को जिंदगी खतरे में नहीं लिया सकते। सीबीएसई ने कहा था 19 विषयों की परीक्षा ले लो, मेन जो जो विषय होते हैं उनकी परीक्षा ले लें, और उन्होंने प्रस्ताव को दिया सीबीएसई ने कहा था। लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई थी कि भाई ये नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि क्या ये सही है परीक्षा लेना बच्चों की। तो जब ये बैठक जारी हुई तो बैठक जारी में प्रधानमंत्री जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चों की परीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए 12वीं के एग्जाम भी नहीं होंगे। सीबीएसई बोर्ड के और छात्रों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।